हिमाचल कैबिनेट मीटिंग में आज होंगे बड़े फैसले। स्कूल कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी भर्ती, गोबर खरीद की मंजूरी संभव, सीएम सुक्खू करेंगे अध्यक्षता। हिमाचल कैबिनेट की मीटिंग दोपहर बाद आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होगी। सूत्रों की माने तो इसमें 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर खरीद और गेस्ट लेक्चर भर्ती को मंजूरी मिल सकती है। शिक्षा विभाग ने स्कूल और कॉलेज में गेस्ट लेक्चर भर्ती के लिए पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर दिया है। कैबिनेट में इसे मंजूरी मिल सकती है। प्रदेश में 3,500 से ज़्यादा स्कूल ऐसे हैं जहां या तो टीचर नहीं है या इकलौते टीचर के सहारे चल रहे हैं, जबकि राइट टू एजुकेशन के तहत प्रत्येक स्कूल में कम से कम 2 टीचर होने अनिवार्य है। खासकर दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल में टीचर जाने को तैयार नहीं होते, अपनी पसंद के स्टेशन पर ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। गेस्ट फैकल्टी रखने का कर चुके हैं ऐलान, इससे दुर्गम क्षेत्रों के स्कूल खाली रह जाते हैं। ऐसे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गेस्ट फैकल्टी रखने का ऐलान किया है। इनकी भर्ती कैसे की जाए इसे लेकर आज कैबिनेट में अप्रूवल मिल सकती है। हालांकि ऐसी भर्तियां पहले भी विवादों में रही है, क्योंकि इन्हीं की तरह पीटीए, पैट, एसएमसी जैसे भर्तियों की भी की गई थी और बाद में ये भर्तियां सरकार के गले की फांस बनी है। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि गेस्ट फैकल्टी को 1 साल के लिए रखा जाएगा, स्कूल में रेगुलर टीचर आने पर इन्हें हटा दिया जाएगा। गोबर खरीद को मिल सकती है हरी झंडी। कैबिनेट में कांग्रेस का चुनावी गारंटी, 2 रुपए किलो के हिसाब से किसानों से गोबर खरीद को भी हरी झंडी मिल सकती है। विधानसभा के विंटर सेशन में भाजपा ने टोकरी में गोबर लेकर अनोखा प्रदर्शन भी किया था। इसको लेकर सरकार की गारंटी पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए थे। तब कृषि मंत्री ने जनवरी महीने से ही गोबर खरीद को मंजूरी देने की बात कही थी, हालांकि अभी तक ये नहीं हो पाया था, लिहाजा कैबिनेट में इसे आज मंजूरी मिल सकती है। भर्तियों को भी मिल सकती है मंजूरी। हिमाचल प्रदेश में हजारों बेरोजगार युवा भर्ती नहीं होने से परेशान है। प्रदेश में 1 साल में भर्तियां नहीं हो पा रही है, क्योंकि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों के बाद स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को भंग किया है। इसके स्थान पर अब नया आयोग गठन कर दिया गया है, लेकिन ये पूरी तरह से फंक्शनल नहीं हो सका है। इसमें स्टाफ की तैनाती और भर्तियाँ शुरू करने का भी कैबिनेट में निर्णय हो सकता है।